प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया पूजा अर्चना, श्रमजीवियों को किया सम्मानित। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी, 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा, राजनीतिक स्टंट। राष्ट्र आज मना रहा कारगिल विजय दिवस, वीर शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने किया नमन। और बीसीसीआई ने की घरेलू क्रिकेट मैचों के कार्यक्रमों की घोषणा, रांची के जेएससीए स्टेडियम में अगले वर्ष 23 से 27 फरवरी के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच होगा चौथा टेस्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं जयलक्ष्मी। और अब समाचार विस्तार से। मणिपुर हिंसा के बाद आज संसद के दोनों सदनों में आज भी गतिरोध जारी है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष के शोर शराबे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का शोर शराबा जारी रहा। इस दौरान राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन केंद्र परिसर में पूजा अर्चना की। यह परिसर देश में अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इस परियोजना को लगभग 2,700 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। कश्यपगोत्रोद्भवस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातस्य नरेन्द्र दामोदरमादिनामधेयस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृत्त्यर्थं समस्तजनानां क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर्यविजयाभयायुरारोग्यानन्द ऐश्वर्यावृत्त्यर्थं धर्म अर्थ काममोक्ष चतुर्विध पुण्यफल पुरुषार्थसिद्ध्यर्थम्। ओम नमः सूर्याय, चंद्राय, मंगलाय, कायाय, गुरुसुप्रसन्निभ्यश्चरायाम शून्यायाम शुभम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्वेंशन सेंटर में पूजा अर्चना करने के बाद वहां काम कर रहे श्रमिकों से संवाद किया और उन्हें सम्मानित किया। जयते कि हमारी परंपरा का उद्घोष करते हैं, सत्यमेव जयते अगर भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है तो महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु यह भी है जब अभिवादन करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का। ये कर्मयोगी का सम्मान है राष्ट्र की तरफ से हमारे श्रमयोगियों का, हमारे श्रमजीवियों का, हमारे श्रम साधकों का। और ऐसे अनेक उद्धरण हमने देखे, अनेक हमने उदाहरण देखे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम की शक्ति को नमन किया है और ये नमन समूचे राष्ट्र का होता है। अजय, अब इसको मुझे याद आता है वो दृश्य जहां पर आप भी मौजूद थे कुंभ के अवसर पर 2019 में, जब उन्होंने पांव पखारे थे उन श्रमजीवियों के जिन्होंने कुंभ में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, उन सफाई कर्मियों के पांव पखारे थे। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण के बाद जब वो श्रमजीवियों से मिले, वो भी तस्वीरें स्पष्ट रूप से अभी ताजा तरीन है। आपको याद होगा जब काशी कॉरिडोर का निर्माण हुआ था तो किस तरह से उन्होंने अपनी कुर्सी हटा करके जितने श्रमजीवी थे उनके ऊपर पुष्प वर्षा के साथ में उन्होंने अपनी तस्वीरें खिंचाई थी। और कुछ इसी तरह की एक बार फिर से दृश्य और वानगी हमें स्पष्ट तौर पर प्रगति मैदान के इस परिसर से सीधे तौर पर स्पष्ट नजर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से उन श्रमजीवियों को सम्मान के तौर पर वो उनसे उनका हाल चाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद मंत्री मंडलीय सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने राज्य के 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच के खिलाफ प्रारंभिक जांच पीई दर्ज करने की अनुमति दे दी है।
इनमें पूर्व मंत्री रणधीर कुमार सिंह, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी, अमर बावरी और डॉ नीरा यादव शामिल हैं। श्री अमर कुमार बावरी, श्री रणधीर कुमार सिंह, श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव, श्रीमती लुईस मारंडी, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा। डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के जांच के लिए पी दर्ज किया जाएगा, जो आरोप में यही है कि इसमें जो डिटेल्स में लिखा है उसमें लिखा है कि पंकज कुमार यादव द्वारा WP PIL नंबर 316/20-20 दायर किया गया था और उसी के लाइट में एडवोकेट जनरल से ओपिनियन लिया गया था कि इसमें आगे क्या किया जाए और उसके बाद ओपिनियन के उपरांत ACB से जांच करने के लिए कहा गया था। ACB ने कहा है कि पूर्व सरकार के उपरोक्त वर्णित मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित मामले की जांच हेतु विभागीय संकल्प 1623 दिनांक 7/8/15 की कंडिका 20 के तहत आसूचना संकलन कर गोपनीय सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया और उसमें ये कहा गया कि मामले की गोपनीय सत्यापन करने के पश्चात, गोपनीय सत्यापन कर लिया गया उसके पश्चात विस्तृत जांच हेतु उपरोक्त अंकित पूर्व मंत्रियों के विरुद्ध प्रत्यानुपातिक धनार्जन की जांच हेतु पी दर्ज करने की अनुमति प्रदान। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की बैठक में 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की जांच ACB से कराने के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा जांच करने और कराने से पीछे नहीं हटती। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी संपत्ति और भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। राज्य मंत्री परिषद से पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देशों के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने पर झारखंड ऑफिसर्स टीचर्स एम्प्लॉयज फेडरेशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत किया और आभार जताया। पहल से उनको मिलेगा, कोई नियमावली स्पष्टता नहीं थी और 2004 के विज्ञापन को भी इस बार की कैबिनेट में सम्मिलित कर लिया गया है पुरानी पेंशन योजना में। इसलिए आज राज्य के सभी कर्मचारी NPS के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत जी के नेतृत्व में सारे को आए हैं आभार व्यक्त करने के लिए और हम लोगों उनको उनके साथ कैबिनेट के सभी सदस्यों को हम लोग आभार व्यक्त। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 14 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार देश के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री को पूर्वी सिंहभूम का उपायुक्त बनाया गया है जबकि पलामू के उपायुक्त ए डोड्डे को दुमका और दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को सरायकेला खरसावा का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं विशाल सागर को देवघर और आदिवासी कल्याण आयुक्त लोकेश मिश्रा को खूंटी का उपायुक्त बनाया गया है। उधर गिरिडीह के उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा को जामताड़ा, मृत्युंजय कुमार वर्णवाल को पाकुड़, अजय कुमार सिंह को सिमडेगा, खूंटी के उपायुक्त शशि रंजन को पलामू, पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन को धनबाद और उत्पाद आयुक्त कर्ण सत्यार्थी को गुमला का उपायुक्त बनाया गया है। वहीं मेघा भारद्वाज को कोडरमा, चंदन कुमार को रामगढ़ जिले का और हिमांशु मोहन को लातेहार का उपायुक्त बनाया गया है। फिर पर्यावरण और जलवायु सत्ता कार्य समूह तथा पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की चौथी बैठक आज चेन्नई में हो रही है। यह बैठक तीसरे दिन G20 के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक के साथ संपन्न होगी।
तीन दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 300 प्रतिनिधि भाग लेंगे, जिसमें मंत्री स्तरीय परिणाम और दस्तावेजों पर अंतिम रूप देने पर ध्यान दिया जाएगा। बैठक में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका पर जोर दिया जाएगा, तो वहीं पर्यावरण, जैव विविधता जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। पिछली तीन बैठकों में भारत द्वारा पहचाने गए तीन व्यापक विषयगत क्षेत्रों पर सहयोगात्मक और समावेशी चर्चा हुई है, तो वहीं G20 देशों के पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक में उच्च स्तरीय सिद्धांत दस्तावेज को अपनाया जाएगा। बैठक के बाद मंत्री स्तरीय कार्यक्रम में तमिलनाडु की उत्कृष्ट सांस्कृतिक और ऐतिहासिक भव्यता को प्रदर्शित किया जाएगा, तो वहीं प्रतिनिधियों को महाबलीपुरम का दौरा करने का भी अवसर मिलेगा। विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा, इसे लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने मानसून सत्र के सफल संचालन को लेकर आज वरीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। श्री महतो दोपहर बाद प्रेस सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर प्रदेश भाजपा विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक कल होगी। पार्टी के प्रदेश महामंत्री और मुख्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी करेंगे। बैठक में अन्य लोगों के अलावा क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी और प्रदेश संगठन महामंत्री कर्णवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2023 के प्रारूप एवं संलेख प्रारूप पर वित्त विभाग से सहमति मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाने में तथा इस क्षेत्र में शोध कार्य को और अधिक सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में भी अन्य राज्यों के भांति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर ने पाकुड़ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर बोलने वाले लोग पाकुड़ की घटना पर मौन हैं। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में एक आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई जो दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्र आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल विजय दिवस पर सेना के एक विशेष वीडियो जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर ट्वीट कर जवानों को नमन किया है। मुख्य समारोह का आयोजन कारगिल विजय दिवस पर मुख्य कार्यक्रम द्रास में आयोजित किया गया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। Thank you.
कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रीय स्मारक पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अमर शहीद वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। आईएमएफ ने भारत की 2023-24 जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.1% कर दिया है। विकास कर सकता है। अगले साल यानी 2024 में भी भारत की अर्थव्यवस्था 5.8% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि चीन की विकास दर साल 2023 में 5.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। वहीं साल 2024 में अनुमान 4.5% का रखा गया है, यानी दोनों ही वर्ष चीन की अर्थव्यवस्था भारत से कम विकास करेगी। वहीं दुनिया के लिए विकास दर के अनुमान में कमी की गई है और वैश्विक विकास दर 2022 में 3.5% से घटकर 2023 और 2024 में 3% की दर पर आ सकती है। इसी आउटलुक में अनुमान जताया गया है कि साल 2023 में G7 देशों में जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी यानी निगेटिव जोन में रहेगी। दुनिया के लिए राहत की खबर यह है कि महंगाई का दबाव थोड़ा कम हो सकता है। वैश्विक स्तर पर महंगाई दर साल 2022 में 8.7% से कम होकर साल
2023 में 6.8 और अगले साल 2024 में कम होकर 5.2 पर पहुंच सकती है। हालांकि रूस यूक्रेन का संकट और जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए अब भी बड़ा खतरा बना हुआ है और हो सकता है कि दुनिया भर के बैंकों को ब्याज दरों में और बढ़ोतरी करनी पड़े। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यसमिति की 13वीं बैठक कल चैम्बर भवन में संपन्न हुई। प्रदेश में भवन नियमितीकरण योजना को जल्द प्रभावी करने की आवश्यकता महसूस करते हुए सदस्यों ने राज्य की विधि व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि चैम्बर को राज्य स्तरीय स्वरूप देने की दिशा में युद्ध स्तर पर जारी जिलों के दौरे को आगे बढ़ाते हुए स्टेक होल्डर्स की राष्ट्रीय संस्था फिक्की के चुनाव में झारखंड चैम्बर की एंट्री कराई जा रही है। इसी क्रम में चैम्बर के महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन को इस बार फिक्की के चुनाव में झारखंड राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन कराया गया है। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर सरायकेला खरसावां में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान वोटर अवेयरनेस फोरम बनाने को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई। साथ ही विभिन्न उद्योग जगत में कार्य करने वाले शत प्रतिशत कर्मियों को मतदाता पहचान पत्र का सत्यापन सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सरायकेला खरसावां के ऑटो क्लस्टर स्थित सभागार में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उद्यमियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने उद्यमियों से कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन कराने और वेतन के साथ वोट करने के लिए भेजना सुनिश्चित करने का आग्रह किया। फोरम बनाने के संबंध में आया था, एक एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक एक इंडस्ट्री में, कारपोरेट वोटर अवेयरनेस फोरम बनाना, इसके संबंध में आज आ जाते थे पुराठा क्लस्टर में, कितना इंडस्ट्री से उनके साथ में हम लोग मीटिंग कराया था, उसमें अपनी इंडस्ट्री में एक एक वोटर अवेयरनेस फोरम बना के एक एक वोटर का वेरिफिकेशन करने के लिए उनका सूची में शामिल करने के संबंध में चर्चा किया। अभी उनसे भी आश्वासन मिली, वो अपने काम को पूरा करते हुए सभी वोटर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस मौके पर यह बताया गया कि कैसे भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए के रवि कुमार ने कहा कि यह जागरूकता कार्यक्रम चुनाव आयोग के निर्देश पर हर जगह किया जा रहा है, जिसका लक्ष्य 100% मतदान सुनिश्चित कराना है। हम लोग लगता था ये बिजनेस केवल बात करता है, वैसा नहीं, उनका मुद्दा ही नहीं, हम लोग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ भी नहीं होगा मतलब पॉलिटिक्स के हम लोग बात करता है, वो डेमोक्रेसी के वैल्यू हम लोग नहीं जानता है, उसका समझाने के लिए हम लोगों का अपने दायित्व निकलना पड़ेगा। एक एक वोटर का हम लोग करना, ये दो काम हम लोग कर लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मतदाता पुनरीक्षण कार्य संचालनकर्ता सह सरायकेला बीडीओ मृत्युंजय कुमार ने लोगों को मतदाता पुनरीक्षण कार्य संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। आज हम लोग एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पे हम लोग के प्रांगण में हम लोग ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, लेकिन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से जब हम देखेंगे किसी आदित्यपुर शहर में जो है काफी कम संख्या में वोटिंग होते रहा है। आपको हमेशा इस पे गर्व करना चाहिए कि यहाँ पे जो मजबूत सिस्टम बनाया गया है, जो सर जैसे लोगों के नेतृत्व में चल रहा है। आपको और एक चीज बता दें सर, हमारे अभी 4 इलेक्शन के मैनुअल ऐसे तैयार हुए हैं जिसमें सर के ही मार्गदर्शन में इलेक्शन मैनुअल तैयार किया गया है। इस बैठक में उद्यमियों का प्रतिनिधित्व एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने किया। तो हमारी जिम्मेदारी प्रशासन की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि इस अभियान में हम लोग जुड़े और अपने यहाँ जितने वर्कर सर, आज के दिन 2 लाख से ऊपर औद्योगिक क्षेत्र के वर्कर हैं, प्रशासन का साथ मिला और मेरे साथियों का साथ रहेगा सर, औद्योगिक क्षेत्र का संपूर्ण रूप से साथ रहेगा। इस दौरान वोटर अवेयरनेस फोरम बनाने को लेकर बिंदुवार चर्चा की गई, खासतौर पर उन क्षेत्रों में जहां मतदान का प्रतिशत कम रहता है, वहां जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सरायकेला से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। रांची जिले के 32 बालूघाटों की नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। रांची के बालूघाटों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक करते हुए बालूघाटों का एक साथ टेंडर निकालने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगली बैठक में एक साथ सभी घाटों का टेंडर अपलोड करें ताकि कम समय में टेंडर का निपटारा किया जा सके। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। और कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी तोरपा मुख्य मार्ग पर दानटोली गांव के पास एक हाईवा और ऑटो के बीच हुई सीधी भिड़ंत में एक महिला सहित चार लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार लोग साप्ताहिक हाट से डोडमा की ओर जा रहे थे। रांची जिला पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में कमलेश कुमार, धर्मेंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह शामिल हैं। इनके पास से 21 एटीएम कार्ड, 22 मोबाइल और 95,000 रूपये नकद बरामद किया गया है। धनबाद जिले में सक्रिय एक आपराधिक गिरोह शूटर अफजल अंसारी को आतंकवाद निरोधी दस्ता ने गिरफ्तार किया है। एटीएस ने पलामू और धनबाद पुलिस के सहयोग से अफजल को पलामू से गिरफ्तार किया है। अफजल मूल रूप से पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र का रहने वाला है। कोडरमा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेकोबार में एक तालाब के समीप से एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। मृतका की पहचान बेकोबार निवासी सलमा खातून के रूप में की गई है। दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के बेरिया गांव में बिजली तार के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया। राजधानी रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने लूट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद इदरीश और कवि कच्छप शामिल हैं। पलामू जिले के उपायुक्त ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को बारी बारी से सुना और निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के सिंहमोड़ स्थित कचनार टोली के पास गैस पाइपलाइन अचानक फट गई और गैस रिसाव होने लगा। इससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। गैस लीकेज की जानकारी तत्काल कंपनी के कर्मियों को दी गई। इसके बाद कंपनी के कर्मी पाइपलाइन दुरुस्त किए। पूर्व विधायक राधाकृष्ण किशोर ने छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं के शिलापट पर लोकसभा के बर्खास्त पूर्व सांसद मनोज कुमार का नाम अंकित करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र नियम कानून के अतिरिक्त लोकलाज से भी चलता है। व्यवस्था में यदि लोकलाज समाप्त हो जाए तो इससे संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव कमजोर हो जाएगी। बीसीसीआई ने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सीरीज 2023-24 के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। इसमें रांची को भी भारत इंग्लैंड टेस्ट मैच की मेजबानी मिली है। अगले वर्ष 23 फरवरी से 27 फरवरी को भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट की मेजबानी रांची के जेसीए को मिली है। जेसीए में भारत ने 2 टेस्ट मैच खेला है। पहला टेस्ट 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था जो ड्रॉ हुआ था। वहीं दूसरा टेस्ट अक्टूबर 2019 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था जिसमें भारत ने पारी और 202 रन से बड़ी जीत दर्ज की थी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया पूजा अर्चना, श्रमजीवियों को किया सम्मानित। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 29 प्रस्तावों को मंजूरी, 5 पूर्व मंत्रियों की संपत्ति की होगी जांच, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा राजनीतिक स्टंट। राष्ट्र आज मना रहा कारगिल विजय दिवस, वीर शहीदों को दी जा रही श्रद्धांजलि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने किया नमन।